हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पीडिया। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सीआरटी, जो बहुत ही हमारे एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सीआरटी होता है उसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, और ये जो डायग्राम बना है ये सीआरटी का बना है, और इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है ये सब मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो ये वाला पार्ट है इस डायग्राम में जो दिख रहा है इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो दो लगा है इसको हम पिन्स कहते हैं, और जो यहाँ यहाँ है इसको हम हीटर कहते हैं, और जो इधर लगा है इसको हम कैथोड कहते हैं, इसको हम ग्रिड कहते हैं। इसमें दो प्लेट्स लगे होते हैं, एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगा होता है, एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगा रहता है। यहाँ से जो ये बीम जा रहा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, इसको हम कहते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, इसको हम कहते हैं फोकसिंग एनोड, और ये इसको जो कहते हैं हम ग्रिड कहते हैं, और इसको कैथोड कहते हैं। अब सीआरटी का मेन काम क्या होता है? तो जो सीआरटी होता है इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटू विजुअल सिग्नल, और सीआरटी इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन ए स्टैंडर्ड कंपोजिट वीडियो सिग्नल। अब हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल है सीआरटी के। तो जो प्रिंसिपल है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो ये जो सीआरटी का प्रिंसिपल होता है ये कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन गन को। अब जो इलेक्ट्रॉन गन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करता है। द बीम इज नैरो एंड इज अलाउड टू पास डाउन द ट्यूब विच इज कोटेड विद फ्लोरोसेंट मटेरियल। जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना ये कोटेड, मतलब इसका जो कोटिंग किया रहता है वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग किया होता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो हम देखेंगे, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक द स्क्रीन स्पॉट इज फॉर्म्ड। जब जो पॉइंट होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करता है वहाँ पे एक स्पॉट बनता है। अब हम देखेंगे जो फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल में, द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू टू पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफ्लेक्शन प्लेट इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। मैंने पहले ही बताया कि इसमें दो प्लेट्स लगे, एक होते हैं एक हॉरिजेंटल प्लेट और एक वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मूव द स्पॉट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होते हैं वो मूव करता है स्पॉट की तरह, जिधर स्पॉट होता है जो स्ट्राइक करके उसकी तरफ मूव करता है। द बीम इज डिस्प्ले एनी वेयर इन द स्क्रीन। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली जो होता है उसका क्या काम होता है ये सब मैं बताती हूँ। जो पार्ट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है, इनका क्या काम होता है वही सब मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो इलेक्ट्रॉन गन होता है ये कंसिस्ट करता है हीटर, फोकसिंग एनोड एंड कैथोड। जो कैथोड होता है वो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को, और दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग एक्सेलरेटिंग नोड। द वेलोसिटी ऑफ सच इलेक्ट्रॉन बीम इज वेरी हाई। अब हम देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली होता है वो क्या होता है। तो पहले ही मैंने बताया कि दो टाइप्स के होते हैं, एक वर्टिकल हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होता है, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वर्टिकल हॉरिजेंटली प्लेट्स। अब इसमें हम देखेंगे क्या काम करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड बाय द एक्सेलरेटिंग एनोड्स इट पासिस थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली। अब जो हम सेकंड देखेंगे वो होता है कि जो बीम होता है वो पोजीशन कर जाता है कहीं भी स्क्रीन पे। अब हम देखेंगे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है उसका क्या काम होता है। तो जैसे कि मैंने ये बताया कि जो लाइट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, बस यही होता है। और जो ग्लास ट्यूब होता है इसका जो सीआरटी का वो इनक्लोज्ड इन ए इवोकेटेड ग्लास ट्यूब कॉल्ड द एनवेलप। और जो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो बेस है, ठीक है बेस, अब ये प्रोवाइड करता है सीआरटी जो कनेक्शन बना होती है वेरियस पार्ट से, इसका ये काम होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।